मैं इस्लामुद्दीन खार और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जमीयत उलमा हिंद ने महाड में बाढ़ पीड़ितों को घर बनाकर दिया है। दरअसल करीब 45 लोगों को घरों की चाबियां जमीयत उलमा हिंद ने उन्हें सौंपी है। जमीयत उलमा हिंद एक ऐसी तंजीम है जो देश में किसी भी आपदा से निपटने के लिए या ज़रूरतमंद लोगों के मदद के लिए हमेशा खड़ी रहती है। महाड कोकण में सैलाब के दौरान लोगों के का मदद के लिए जमीयत उलमा यहाँ आगे आई थी और लोगों को राशन पानी और उनकी गाड़ियाँ दुरुस्त करने को लेकर जमीयत उलमा ने यहाँ पर एक बेहतर काम किया था। ऐसे में इस सैलाब के दौरान कुछ लोगों के मकान टूट गए थे। जिनके मकान टूटे हैं ऐसे करीब 45 लोगों को खुद जमीयत उलमा हिंद ने मकान बनाकर दिया है और इनके घरों की चाबियाँ जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने चाबियाँ खुद अपने हाथों से दी है। मुमरा कौसा के जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना वहाब कासमी ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। मौलाना साहब, महाड और उसके अन्य इलाकों में जिस तरह से बाढ़ आया था और उसके लिए आप लोग वहां पर काफ़ी काम कर रहे थे और ये भी जानकारी आई थी कि वहां पर जिन लोगों का घर सैलाब में बह गया था उन लोगों के लिए आप लोग मकान बनाने का जो है वहाँ पर काम कर रहे थे। अब ऐसी जानकारी आई कि आप लोगों ने कुछ लोगों को मकान बनाकर वहाँ पर दिया है, चाबियाँ उनके हवाले किया गया है। कितने लोगों को घर दिया गया है, क्या है पूरी जानकारी? अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तान के हर कोने में किसी भी मुसीबत में आफत में मुसलमानों के और दीगर मजाहिब के लोगों के काम आती है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता बारिश के अंदर महाड और पूरा कोकण का इलाका पानी में डूब गया था और बहुत ही ख़राब हालात थी, तो हमारे जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम ने हम लोगों को ये हुक्म दिया था कि आप हजरात कोकण में बढ़ चढ़ कर के काम कीजिए, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों में हाथ बटाइए, उनके मकानात बनवाइए, उनको राशन दीजिए, उनको ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो दीजिए। तो जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने हजरत के हुक्म पर बड़े पैमाने पर कोकण में सैलाब मुतासरीन के लिए काम किया। हम लोगों ने आप हजरात के सामने एक बाइट भी दिया था जब सैलाब आया था, अहले मुमरा से अपील किया था कि आप हजरात कोकण में सैलाब जदगान के लिए मदद कीजिए। तो मुमरा के लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मदद उन लोगों ने किया था। जमीयत उलमा ने वहाँ सर्वे किया और सर्वे करके जिनके मकानात ढह गए थे और पानी में बह गए थे उनके लिए मकानात बनवाए। कल हमारे सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ लाए थे महाड में, उनके दस्ते मुबारक से 45 नए मकानात की चाबियां लोगों को दी गईं और बगैर किसी भेदभाव के जमीयत उलमा हर कौम के लिए हर इंसान के लिए काम करती है, जिसमें तकरीबन 17-18 मकानात की चाबियां हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को दी गई और 28-30 चाबियां जो है मुसलमान भाइयों को दी गई। यहां तक कि वहां के वजीर आदित्य ताई जो पालक मंत्री भी हैं उन्होंने बहुत सराहा और हजरत की बड़ी तारीफ की। फिर वहां के जो शिवसेना के MLA हैं प्रभु साहब वो भी बहुत खुश हुए और तहसीलदार साहब आए थे वो भी खुश हुए और जो शहर महाड शहर की जो अध्यक्ष हैं अस्नेहा ये भी बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि आप लोगों की खिदमत तो हम लोगों ने देखा है और हम लोग जहां तक नहीं पहुंच पाए वहां आप पहुंच गए, ये बहुत बड़ा काम है। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की बड़ी तारीफ उन लोगों ने की और जमीयत उलमा की तारीफ की और वहाँ के लोग भी खुश हो गए। यहाँ तक कि जिन लोगों को चाबी दी गई वो लोग मंच पे आगे स्टेज पे आ करके हजरत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जमीयत उलमा जो काम कर रही है, सब लोग जब बैठ जाते हैं उस वक्त जमीयत उलमा काम करती है, इतने खूबसूरत अच्छे अच्छे मकानात बनवा के दी जिसका हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूरी जमीयत की टीम को कोकण वालों ने सराहा। ये तो महाड का था, अभी इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ चिपलोन भी तामीर हो रहा है, चिपलोन की भी चाबियाँ बांटी जाएंगी लेकिन अभी वो ज़ेर तामीर है।